Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I am teaching you biology. Alright, the first part of the session will be adaptations of bryophytes. Alright, students, just keep मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ब्रायफ इन याइंड वो ग्रुप है प्लांट के जो पहली दफा पानी से एवोल्यूशन के अमल के दौरान मूव करके खुश्क की जानव आ चुके हैं कि एक्वेटिक एनवायरमेंट को मुस्तकिल तौर पर छोड़ने का पहला कदम ब्रायोफाइड्स ने अपनाया अब फिर इसके बाद इनको कुछ ऐसी तब्दीलियां अपने अंदर लाने की जरूरत थी कि यह लैंड प्लांट्स के तौर पर कामयाब हो सकते क्योंकि अगर पानी से दूर रहने में इनका सर्वाइवल पॉसिबल है तो उतने ही ज्यादा अच्छे टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिजम के तौर पे ये अपने आप को साबित कर सकते हैं right? क्योंकि अगर आप अपने डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को देखें तो इवन के द्यूमन पॉपुलेशन दे आर ऑलवेज डेंस अराउंड द अवेलेबल वाटर सोर्सेस जहां कहीं भी पानी ज्यादा अवेलेबल होगा या पीने वाला पानी ज्यादा अवेलेबल होगा वहां पे इंसानी आबादी की तादाद भी ज्यादा होती है कभी भी किसी डेजर्टिफाइड एरिया में आपको ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नजर नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स यहां पे दैट इज अबाउट द कॉम्पैक्ट मल्टीसेल्यूलर बॉडी जी अब इस टर्म के अंदर शायद आपको इतनी को बहुत ज्यादा टेक्निक नजर ना आ रही हो लेकिन जब हम लैंड एडॉप्टेशन और टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट को एडॉप्ट करने की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा सेटोन था वो किस तरह से कि सेल्स जितने ज्यादा टाइटली पैक्ड रहेंगे उसमें वाटर को कंजर्व करने की एबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी ऑल राइट अगेन रिपीट करो मैं ये वाली बात कि सेल्स जितने करीब करीब रहते हैं उतना उनका सरफेस एरिया एक्सटर्नल एनवायरमेंट के लिए कम अवेलेबल होता है तो पानी के उड़ जाने की या पानी के जाया होने की जो चांसेस या जो इम्कान है वो कम से कम होना शुरू हो जाएंगे ऑलराइट right? तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिहाज से कॉम्पैक्ट मल्टी सेलर बॉडी इज वन ऑफ द सिग्निफिकेशन ऑल राइट और फिर इसी चीज को फर्दर बढ़ा दिया गया बाय फॉर्मेशन ऑफ क्यूटिकल ऑन द सर्फेस जैसे क्यूटिकल आएगी तो इसका मतलब है कि वाटर की कंजर्वेशन जो लॉस ऑफ वाटर है या खुश्क होने के जो इम्कान है उनमें मजीद कमी आना शुरू हो जाएगी और right तो यही दोनों पॉइंट्स में यहां पे फर्दर डिफरेंसेस के साथ mention कर रहा हूं कि क्या जैसे एक वाटरप्रूफ लेयर बना दी गई क्यूटिकल की फॉर्म में ताकि अंदर का पानी जो है वो बाहर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से कहीं उड़ना ना शुरू हो जाए और जाया ना हो जाए राइट स्टूडेंट यह है इसकी पहली एडाप्टेशन और फिर उसके बाद अगर फर्दर हम देखें तो एक और स्ट्रक्चरल चेंज हमें नजर आती है और ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पौधे अपने आप को अनेटमिकली भी तब्दील कर रहे थे साथ ही साथ दिस इज वॉट डिवेलपमेंट ऑफ फोरोसिंथेटिक टिश्यू Into specialized chambers which allow the gaseous exchange, all right, especially carbon dioxide. G students. अब इस पॉइंट को भी समझने की जरूरत है right? इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं एक फिगर right. तो पहले नंबर पे मैं चाहता हूं कि आप इसकी की को समझ लें। इसमें अगर आप देखें तो द अपर अपर हाफ ऑफ ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और यह फोटोसिंथेटिक टिश्यू है ऑलराइट बट द लोअर हाफ दैट इज दुअर्ड द ग्राउंड जो जमीन की जानब इसके टिश्यू का पार्ट है वहां पे आपको कोई भी ग्रीन पिगमेंट नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं चल चल रही बल्कि कोई और प्रोसेस रहा होगा एंड दिस इज दिश्यू पेरनकाइमेटिस टिश्यू टिश्यू है और इसका काम क्या है कि फूड को स्टोर करना और राइट right? जो फोटोसिंथेसिस अपर पार्ट में हो रही है उसमें से जो एक्सेसिव सरप्लस फूड आता जाएगा उसको यहां पे स्टोर कर लिया जाएगा और राइट right? अब देखें जो इसकी अपर सरफेस है इसको अगर हम थोड़ा सा और जूम करके देखें तो हमें पता चलता है वो बिल्कुल ही यहां पे ये तब्दीली नजर आ रही है कि फोटोसिंथेटिक टिश्यू है जो अपर सरफेस पे मौजूद है और उसके अंदर एयर स्पेसेस वगैरह मौजूद हैं ताकि गैसियस एक्सचेंज को एनहेंस किया जाए पहले की निस्बत थोड़ा सा बेहतर कर लिया जाए पोर्स मौजूद हैं जहां से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब किया जाएगा और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनने वाली ऑक्सीजन को खारिज कर दिया जाएगा ऑल राइट right, तो इस लिहाज से दिस इज एन इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन के ना सिर्फ अपने आप को एनवायरमेंट के लिहाज से फंक्शनली चेंज किया है ब्रायोफाइट्स ने, बल्कि एट द सेम टाइम देर आर न्यूमरस स्ट्रक्चरल चेंजेस जिसमें से पहले वाली ये है कि फोरोसिंथेटिक टिश्यू की अपर सरफेस के अंदर स्पेशलाइज्ड चें बनाए गए स्पेशलाइज्ड बनाए गए हैं जहां से के अंदर इस्तेमाल होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब किया जाएगा स्टूडेंट्स right, फिर उसके बाद अगर हम वापस चलें तो हमारे पास थर्ड एडाप्टेशन दैट इज अनदर स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन प्लान बॉडी व्हिच कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स स्टेम Or Leaves, alright. The rhizoids they are root like structures, but they are capable of absorption of water as well as they provide anchorage to the plant. Okay, the may happen. It is about the reproductive organs, alright, also known as the sex organs. Ye adaptation students, both are the important can the kiss point of view say. के ब्रायोफाइट्स दे हैव टू रिप्रोड्यूस इन वाटर, ओके? रिप्रोडक्शन के से हम ये कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स अभी तक कि पानी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। रिप्रोडक्शन के मुकम्मल खुश्की वाले प्लांट्स नहीं बन सके लेकिन उसके साथ ही साथ कोशिश इन्होंने जरूर की है और वह कोशिश किस तरह से की है कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दे आर एंथ All right. They are the male reproductive structures. All right. And archegonia or archegonia they are the female रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑल राइट स्टूडेंट अब यह बात जहन में रखिएगा कि अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिपोर्डक्टिव स्ट्रक्चर को डिस्टिंग्विश करें तो इट मीन दे आर द सेक्सुअली रिपोर्ड्यूसिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ब्राफा ओके ए सेक्सुअल रिपोर्डक्शन के लिए वहां पे कैप्सूल की तरह का एक स्ट्रक्चर मौजूद होगा जो फर्दर लाइफ साइकिल में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे ओके okay? अब यहां पर अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इट मीन्स द गमीज दे आर ऑल्सो डिफरेंट और जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मुख्तलि प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक मखसूस टर्म आप चैप्टर के लिए द कंडीशन इज हेट्रोगैमी एंड द प्लांट्स आर नोन एज हेट्रोगेमस प्लांट्स व्हाट जब कोई एक पौधा सेम के अंदर से दो मुख्तलिम के गोड्यूस कर सके Or what gametes go on, say? The male gametes they are the sperms or antherozoids. Alright, these are the male gametes. egg. This is the female gamete. And it is non motile. The male gametes they are motile. Alright, student, this is about the embryo. Alright, the embryo during its development. Is kept or we can say retained within the female reproductive structures. All right, zygote and the cell division ka hoga. मल्टी सेलर स्ट्रक्चर बनेगा और इस मल्टी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे दिस इज़ द एम्ब्रियो एम्ब्रियो ओके अब ये जो बन रहा है ऐसा नहीं होगा कि इसको भेज दिया जाए या कर के ऊपर बनने वाला स्टे एम्बेडेड ओके इससे अगली जनरेशन का आगाज होगा उसके अंदर तीन अलहदा अलहदा से डिस्टिंग स्ट्रक्चर नजर आते हैं फुट सीटा एंड कैप्सोल बट एट द सेम टाइम स्टे अटैच टू दिन स्टूडेंट्स फिर यहीं से अगले पॉइंट का आगाज होता है जो कि सरवाइवल के एतबार से जिनेटिक्स की बुनियादी बैकबोन के तौर पर रोल प्ले कर रहे हैं एंड दट इज वॉट इट इज आल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन जी स्टूडेंट्स नाउ दिस इज आल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन इसका मतलब क्या है कि जनरेशन का बदल बदल के आना एक दूसरे के साथ तबादला करते जाना ऑल राइट right? यहां पर कौन कौन सी दो जनरेशन मौजूद होती हैं वन इज द गीरो जनरेशन दैर जेनेटिकली हेप्लॉयड ओके एंड द अदर वन इज स्पोरोड जनरेशन दैर इज जेनेटिकली डिप्लॉयड ओके तो इसका मतलब यह है कि अगर एक हैप्लॉयड गेमिटोफाइट जनरेशन रिप्रोड्यूस करे उसे एक डिप्लॉड्स जनरेशन प्रोड्यूस हो और जब जनरेशन फर्दर स्पोर्स प्रोड्यूस करे थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स मियोसिस ओके और मियोसिस में एक प्रोसेस चल रहा होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर क्रॉसिंग ओवर के वक्त क्या होता है द जीन्स दे आर रीशफल्ड ओके वहां पे जीन्स की यूं समझें कि नेचुरल सिलेक्शन चल रही होती है कि जो सक्सेसफुल जींस होंगे वो वहां पे बचा लिए जाएंगे और जो डेलिटेरियस किस्म के या वीक जीन्स हैं जैसे ही वो स्पोर्ट जमीन के ऊपर गिरेंगे दे विल बी अनसक्सेसफुल वो कामयाब नहीं हो सकेंगे तो वहां पे ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस किसके होंगे जो ज्यादा रेजिस्टेंट ज्यादा एडाप्टिव होगा तो आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के प्रोसेस से हम ये कह सकते हैं ना सिर्फ और जनरेशन एक दूसरे को बदल बदल के लाइफ साइकिल को मुकम्मल करते हैं बल्कि साथ ही साथ एट द सेम टाइम यहां पे आल्टरनेशन ऑफ जीन्स भी चल रही है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि द रेजिस्टेंट एंड द स्ट्रॉग जीन्स दे आर नेचुरली सिलेक्टेड एंड द वीक जीन्स दे आर नेचुरली रिजेक्टेड और इस चीज को यहां पर लिख भी लेते हैं haploid gametophyte generation give rise to diploid sporophyte generation all right this is the basic alternation of generation and the second one is this process enable the plant to produce and test the best genetic combinations

कि वो तब्दीलियां जिनकी वजह से ब्रायोफाइट्स अपने आप को सक्सेसफुली जमीन के ऊपर लैंड था आज के इस सेशन को हम खत्म करते हैं फिर ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी